नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरें इस समय देख सकते हैं करनाल के प्रेम नगर इलाके की, जहां पर देख सकते हैं पत्रकार आकर्षण उपल पहुंचे हुए हैं। लगातार आप सभी को कहीं ना कहीं जो है चुनावों को लेकर भी जो है मोटिवेट करने का कार्य जो है लगातार पिछले दिनों से आईबीएन 24 के जरिए ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन आज खुद परिवार सहित पहुंचे हैं जो मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं इस समय जो उनकी पत्नी हैं वो भी यहां पर हैं और आकर्षण उपल भी हैं, साथ में उनकी जो बेटी है वो भी यहां मौजूद है। सबसे पहले आकर्षण जी से बातचीत करेंगे। आकर्षण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मतदान करने के लिए आए हुए हैं और फिलहाल क्या लग रहा है कि लोग जागरूक हैं, भीड़ कैसी लग रही है आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे प्रेमनगर इलाके में ही है, क्योंकि मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन यहीं पर निकला है। रहता मैं कहीं और हूँ, लेकिन मैंने अपना वोट अभी तक यहाँ से नहीं कटवाया, क्योंकि मेरा लगाव है इस इलाके के साथ। और आप देख रहे हैं कि चाहे किसी भी बस्ते पर आप चले जाएं, किसी भी पार्टी के बस्ते पर चले जाएं, रश बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक हैं, लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वोटिंग के लिए उत्सुक हैं। और नमस्कार जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? तो लोग कहीं ना कहीं जो वोटिंग के लिए उत्सुक हैं, करना चाहते हैं वोट, और 5 साल में एक बार मौका आता है। मैं तो कहूँगा कि सभी को वोट डालना चाहिए और सभी वोटिंग कर भी रहे हैं, और हमारी गुड़िया भी साथ देखने के लिए आई है कि आखिर वोटिंग कैसी होती है। बेटे, आप भी वोट डालने आए हो? नहीं, मेरा तो अभी वोट बना नहीं है। अच्छा, तो बना नहीं है अभी आपका? यस, अभी 5-6 साल बाद जब बनेगा तब मैं खुद चुनूंगी। तो लोगों को क्या कहोगे? आप तो अभी वोट नहीं डाल सकते, लेकिन जो लोग वोट डाल सकते हैं उनको क्या बोलोगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप भी वोट डालें, सभी वोट डालें, जिनके पास भी वोट है वो सभी अपने वोट का यूज़ करें, अपने वोट का, और अपनी कंट्री का भविष्य आपके खुद हाथों में है, तो आप उसे खुद चुनें। तो यहाँ पर उनकी पत्नी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी वोट डालने के लिए आए हैं, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना वोट डालने के लिए ज़रूर आएँ, ये आपका अधिकार है। आप अपना मनपसंद कैंडिडेट चुन सकते हैं और आपको भरोसा निकल के आना चाहिए, और आपका एक वोट बहुत कीमती है, ठीक है? तो आप सबको वोट करना चाहिए, ज़रूर आएँ आप सभी वोट डालने के लिए, बस यही बोलूँगी। तो आज देख सकते हैं कि जो है आकर्षण उपल आए हैं वोट डालने के लिए। बता दें तो लगातार कवरेज आईबीएन 24 के ज़रिए सभी लोगों से अपील हमेशा ही ये करी जा रही है और आज भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठे होना है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों में ज़रूर देखा जा रहा है आज के दिन, जो वोट मतदान करने के लिए भीड़ भी काफ़ी संख्या में है आगे हम देख पा रहे हैं। और प्रेमनगर का इलाका है, और बता दें तो आज शास्त्री नगर इलाके के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी जो भीड़ है वो देखने को मिली है। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कृष्ण उपल जो है वो डाले हैं, अभी मतदान जो है वो करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हालांकि सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह पर जो प्रॉपर सिक्योरिटी है उसका ज़रूर ख्याल रखा गया है, और बता दें हर जगह पर आप देख सकते हैं प्रेमनगर का इलाका है। कुछ ही देर बाद जब आकर्षण जी आएंगे उनसे हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल प्रेमनगर इलाके के अंदर जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी फिलहाल अच्छे इंतज़ाम यहाँ पर ज़रूर किए गए हैं। और सभी लोगों से हमें कहना चाहेंगे, आप आज मतदान करना है और सभी लोगों ने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना है। आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक अंकल जी हैं यहाँ पर तो कहना चाहेंगे आप, आज यहाँ पर आए हैं, मतदान किया है आपने? बड़ा खुश हुए हम। अच्छा, मतदान शांतिपूर्वक हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतदान किया है आपने, कर दिया, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहें कि वो अपनी अपना कर्तव्य निभाएं और दिल खोल के मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, दिल खोलकर मतदान करें। आप देख सकते हैं कि वो खुद व्हील चेयर पर हैं, लेकिन मतदान करने के लिए आए हुए हैं, तो हम सब लोग चल सकते हैं, तो हम चलकर क्यों नहीं बूथ तक पहुंच सकते हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जो अंकल हैं आज वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर वो आए थे, और फिलहाल देख सकते हैं वोट डालने के बाद यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बुजुर्ग। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वोट उन्होंने डाला, और आप लोगों से हम सब जो लोग हैं वो भी इस तरीके से घर पर ना बैठे, जब ये वोट डालने के लिए आए हैं तो हम सबको भी वोट डालने जरूर आना है। इनसे बातचीत जिस तरीके हमसे हमने की है, और फिलहाल यहाँ पर वोट दिखा दीजिए, देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं वोट दिखा रहे हैं अंकल जी, और इसी देख सकते तरीके हैं से यहाँ पर वोट इन्होंने किया है के लिए, और इस तरीके से इन्होंने आप साथ आए, जो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि इस उम्र में भी इतना हौसला उत्साह है कि हमारे मना करने के बाद भी मैंने वोट तो जरूर डालना है। ये बेड रेस्ट पे हैं बिल्कुल, ये चल नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन यहाँ आने के लिए पूरा
पहले जलपान नहीं किया, पहले कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, तो ये इनकी हौसले को देख के हम आ गए। मैंने कहा चलो आते हैं। पिताजी हैं, पिताजी हैं, डाल दिया बाबू जी वोट, वोट डाल दिया है। कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ मैं। ये ओम प्रकाश अंशु हैं, नोट रिपब्लिक थे करनाल में जी। तो आज इनको आपका मुद्दा क्या रहा, पार्टी नहीं बतानी, मुद्दा क्या रहा आपका? तो यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि लगभग 85 साल के बुजुर्ग हैं ये, 85 साल के बुजुर्ग हैं और जिन्होंने मतदान यहाँ पर किया है। फिलहाल यहाँ से ये जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को पहुंचना है जल्दी से जल्दी अपने घरों से, सारे के सारे ऐसे सभी काम छोड़कर आज आपको ये काम करना है, क्योंकि आज के दिन मार्केट भी बंद है, छुट्टी भी है। और यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर जो है आकर्षण उपल भी आएंगे, उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। तो देख सकते हैं आकर्षण उपल जो हैं वो आ चुके हैं, मतदान जो है वो करके अपने परिवार सहित बातचीत उनसे करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है लगातार मतदान करने। सभी से कहेंगे घर पर ना बैठें, ज़रूर आएँ। आकर्षण जी से बातचीत ज़रूर करेंगे, देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आज मतदान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। प्रेमनगर की तस्वीरें हैं इस समय, और जिस तरीके से जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने लगातार जो है काफ़ी सारी संस्थाओं ने अपील करी थी, तो ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आज वोट ज़रूर करने के लिए आए हुए हैं। और तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं आकर्षण जी, चलने वाली है देखो, नाम मोदी कर रखा है। वोट डालने नहीं जा रहे? फिर डालेंगे, वोट तो देंगे, देख के देंगे। क्या क्या समस्या आ रही है आपको, क्या हो गया? ये देखो आधा हिस्सा खराब है, एक साल से मनोहर लाल कट के घर पे धक्के खाए बैटरी रिक्शा के लिए, और आ जाते वोट मांगने के लिए, वोट दो, वोट लेके हमारे को जूत मारते सारे, इनको वोट दो इनको। ये आपका है कार्ड, ये पैसे आपके? वो हाँ जी, मांग के पेट भर रहा हूँ, क्या करूँ, धक्के खा रहा इनका। चलो कोई, ये देखो क्या करूँ इसका, ये किसका है? ये और किसी का है, नाम मेरा दे रखा है, फोटो और किसी का, कहाँ चला? आयुष्मान कार्ड? हाँ जी आयुष्मान कार्ड का। देखो इलाज वगैरह होता है किसी? कुछ भी नहीं होता है, इसमें मेरा फोटो नहीं है, मेरी फोटो कहते फोटो नहीं आपकी बाबा, फोटो किसी और की है, फोटो किसी और की, फैमिली आईडी मेरे घर की है, फैमिली आईडी आपकी है। हाँ बताओ, ये हाल कर रखा है मोदी ने? नहीं किया उन्होंने, नहीं कुछ नहीं, ठीक नहीं करते, अगले धमकाते हैं, रिक्शा लेने गया तो ये देंगे, नहीं देते जा क्या कर ले मोदी हमारा, ऐसे बोलते तो क्या कर सकता है मोदी, आज टोपी बोलते अगले। ये देखो पूरी लात खराब है, सारी जड़ी है, ये हाथ बिल्कुल अलग है, देख रक्षा नहीं दुआ सकते हो साइड पे, ऐसे इंसान का क्या कर रहा है ये। कृष्ण जी क्या कुछ कहेंगे, आप भी मतदान करके आए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ? पहले तो मैं दिखा दूं कि वोट डालो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतदान आज किया है, ये देखो ये भाई जी, जी इन्होंने भी मतदान किया है, सभी लोग वोट डालकर आए हैं, और वोट डालना आपका अधिकार है। बिल्कुल ना जी, काम छोड़ के बिल्कुल पहले वोट पे, उसके बाद काम छोड़ कर वोट डालें, और आज का दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बड़ी खुशी है, हमारे ऊपर से भाई जी आए मिले, हम तो बहुत खुशी हुए हैं। सर अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबको दोस्तों को परिवार में रिश्तेदारों को सबको कोई बात नहीं, सबको वोट डलवाना है, ठीक है, डालने जिसको मर्जी, लेकिन डलवाना सबको है। पूरे फैमिली को लेके आए। अच्छा अच्छा, चलो बड़ी बात है, उनकी वाइफ भी आए हुए हैं तो उन्होंने भी वोट डाला है, उनसे भी पूछो कि क्यों डालने आए हैं वो। आपने भी डाला है वोट आज? डाला है जी। अच्छा डाल दिया है, क्यों डालने आए हैं वोट? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। और लोगों से क्या कहेंगे जो घर बैठे हैं? वोट डालो, आओ काम पे, अपना चुनाव डालो, वोट अपना, एक एक वोट कीमती, अपने सही चुनाव वोट डालें। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं बच्चों सहित लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं परिवार के परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत ही बड़ा एक पर्व माना जाता है चुनाव के दिनों को लेकर। और अंत में लोगों से कुछ कहना चाहेंगे लोग, अभी ये व्यक्ति भी एक आए थे, उनकी भी कुछ समस्या थी। देखिए समस्याएं तो, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, तो समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं दुख दर्द कम हो जाता है लोगों का। और दूसरी बात है कि 5 साल किसी को कोसने से अच्छा, 5 साल में एक बार मौका आता है, कुंभ का मेला भी 4 साल में एक बार आता है, दिवाली होली हर साल आती है, हम हर साल मनाते हैं उसको। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने वोट को डालें, तो कम से कम हमें छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है 5 साल की, भाई देखो हमने वोट भी नहीं दिया और किसी को कह भी रहे हैं। तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिसको भी डालना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस है, कम से कम आपको ये तो बताओ कि मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। अगर आप किसी को वोट ही नहीं डालेंगे तो आपके पास ये अधिकार भी नहीं है कि आप किसी को
यानी कि कुछ कह सकें, किसी को कोस सकें। अगर आप अपनी सरकार नहीं चुनेंगे तो किस अधिकार से आप मांगेंगे? और हमारी गुड़िया है, 5 साल बाद इसका भी वोट बन जाएगा और ये भी अपनी कंट्री के लिए वोट करेगी। आप भी डाल के आए वोट डाल दिया आपने? भाई देखो, काम किया है, काम कर रहे हैं, काम के पीछे वोट डाला जाता है। बाकी लोग तो पता क्या आएंगे जाएंगे, दुनिया क्या आएगी, मगर चीज़ है कि जो काम करते हैं उसको डालो। देखो दुख सुख तो सब में चलता रहता है, अगर हम सब दुख दुख सुख बांटने लगे तो कौन दुखी रहेगा, कौन सुखी रहेगा? क्या नाम है? तो यहाँ पर सभी लोगों से वोट डाले और आप भी डाल के आए जी, वोट डाला है सर आपने? डाला है वोट, क्या बात है। लो इस बच्चे के वीडियो में क्यों डाला आपने वोट? सर अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम किस सरकार को चुन रहे हैं, क्या चुन रहे हैं? क्या नाम है? विनीत नाम है। विनीत है, तो आज छुट्टी की है? आज छुट्टी है, छुट्टी की है। चलो बड़ी अच्छी बात है, वोट के लिए, अधिकार के लिए छुट्टी, अधिकार के लिए छुट्टी की है अपने सरकार। दिवाली होली पे सब मनाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा त्यौहार है वो, ये साल में एक बार आता है, 5 साल में कुंभ का मेला भी 4 साल में एक बार आता है। बिल्कुल, सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी करें, अपना कमेंट बॉक्स में लिखें भी कि किसकी सरकार आप बनाने जा रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से निवेदन वीडियो को, और आज का दिन जो है सभी लोग जो है सबकी छुट्टी भी है, तो इस छुट्टी का पूर्ण इस्तेमाल करना है, घर पर लेट कर नहीं, वोट देकर। धन्यवाद।